हाय दोस्तों, मैं शेब अंसारी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। खास बात ये है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन और अपने iOS यानी एप्पल फ़ोन वगैरह को अपने डेस्कटॉप से कैसे मिरर करना है और किस सॉफ्टवेयर से मिरर करना है, और साथ में उसका आपको अगर कैप्चरिंग करना है या फिर आपको डेस्कटॉप वगैरह को कैप्चर करना है, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर और ऐप है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप कैसे काम करता है, क्योंकि इसी ऐप के ऊपर मैं ये पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ताकि आपको समझ में आए कि इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी आती है। ओके चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले आप जाइए www.apowersoft.com, ये डालिए /phone-mirror डालिए और इंटर कीजिए। तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद में सिर्फ आपको ये डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि जब आप ये डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद इसको आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, और ये इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। वो चलिए उसको देखते हैं कि कहाँ से डाउनलोड करना है वो ऐप। उसके बाद आपको ये बंद करना है, और साथ में आपके अपने इसमें जाके प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाके आपको प्ले स्टोर में सेम चीज़ को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के अंदर, ए पावर मिरर को। अब दोनों का डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने के बाद में सिंपल आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि उसी से मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं उसी पे कर रहा हूँ, ये अपने डेस्कटॉप पे इसको मिरर करके देख रहा हूँ, और जो कुछ मैं अपने मोबाइल में करता हूँ वो सारी चीज़ें मेरे डेस्कटॉप पे शो होती है। साथ में इसमें फंक्शन है कि आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूँ। आप जैसे स्नैपशॉट लोगे तो इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, कैसी क्वालिटी आ रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है। प्लस मैं अगर एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहूँ इसका, मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसका वीडियो बनाने में के बाद ये कैसा वीडियो बनता है। ये मैं इसको रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। देखो दोस्तों मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो भी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी आप चेक कर रहा था कि कैसी इसकी रिकॉर्डिंग्स होती है। ये ओपन फोल्डर किया मैंने, और मैं यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो भी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी आप चेक कर रहा था कि कैसी इसकी रिकॉर्डिंग्स होती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों ये वीडियो बनाने का खास मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप लोग अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड अपने पीसी पे कर सकते हो, और आजकल आप YouTube वगैरह पे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ये चीज़ें काम आती है, तो आप इसको अपने रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो अपने PC के ऊपर, और प्लस इसको MP4 और AVM में ये ऑटोमेटिकली अब इसकी सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ ये रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होने के बाद जैसे मैं कैप्चरिंग में जाता हूँ, देखिए इसमें MP4 WMV वीडियो मीडिया प्लेयर AVI मो फ्लाई MPEG वो आप बहुत सारे फॉर्मेट में इसको ये कर सकते हो, सेव कर सकते हो। प्लस आप इसके रिकॉर्डिंग के रैम कौन सी वॉइस करना है, अगर आप सिस्टम का साउंड यूज़ करना चाहते हो, माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो, सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन दोनों से यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा, और आप ज़रूर इसे पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। ओके दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपके साथ में विदा लेता हूँ, और अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय। दोस्तों शेयर करना ना भूले।